चलिए हम नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। रूस यूक्रेन के युद्ध का 37वां दिन आज है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। यूक्रेन के मरियुपोल शहर में रूस का संघर्ष विराम, फंसे नागरिकों को निकालने की कोशिश हुई तेज। यूक्रेन की सेना पर रूस का बड़ा हमला, रूसी हमले में कैप 52 हेलीकॉप्टर तबाह, कम ऊंचाई से यूक्रेन पर रूस ने किया मिसाइल अटैक। रूसी सेना पर यूक्रेन ने किया पलटवार, हमले में रूस की सेना को नुकसान, रूसी टैंक पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव में गोलीबारी जारी, कीव में लगातार सुनाई दे रही है गोलीबारी की आवाज, कीव में नजर आ रहे हैं रूस की सेना के ड्रोन। कीव में कहर मचाने को चेचनिया के लड़ाके तैयार, कीव की सड़कों पर चेचनिया स्पेशल फोर्स की सैन्य वाहनों का काफिला। रूस के हमले से खंडर में तब्दील हुआ यूक्रेन का स्कूल, हर तरफ दिखाई दे रहा है मलबा। रूसी सेना पर यूक्रेन का हमला, घात लगाकर हमले में रूस को नुकसान, युद्ध में यूक्रेन की सेना का दिखा हौसला। रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर आज फिर होगी बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों में बात। पुतिन के नए आदेश से यूरोप में हड़कंप, पास से गैस के लिए रूबल में पेमेंट लेगा रूस। यूक्रेन जंग के बीच में पश्चिमी देशों को पुतिन की धमकी, कहा गैस के बदले रूबल में देने होंगे पैसे। यूरोप को 40% गैस सप्लाई रूस से, ठंड से लाखों लोगों के मरने का डर। रूस ने यूक्रेन के दावे का किया खंडन, यूक्रेन के मुताबिक रूस ने फरवरी में आक्रमण के पहले दिन उमान शहर पर किया था हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नीदरलैंड की संसद को किया संबोधित, रूसी हमले के खिलाफ नीदरलैंड से मांगा साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नॉर्वे की संसद को किया संबोधित, कहा नॉर्वे और यूरोप को अपने समुद्री बंदरगाहों को रूसी जहाजों के लिए बंद कर देना चाहिए। टर्की के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, इस्तांबुल में हुई बातचीत का नहीं दिख रहा असर। नाटो ने रूस के दावे को किया खारिज, कहा यूक्रेन में रूस ने कम नहीं की सैन्य गतिविधि। यूक्रेन रूस जंग के बीच में ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा, आने वाले दिनों में कीव क्षेत्र में होगी भीषण लड़ाई। यूक्रेन के शरणार्थियों ने रूस के दावे पर जताया संदेह, कहा सैन्य अभियान कम करने के दावों के बावजूद रूस के हमले जारी। यूएनएससीआर प्रमुख फिलिपो ग्रांटी का बयान, 40 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा यूक्रेन, लड़ाई से 10 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित। रूस यूक्रेन जंग के बीच में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, कहा यूक्रेन संकट को हल करने का एकमात्र तरीका सिर्फ बातचीत। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर, रूस की मोबाइल कंपनियों ने की है बड़ी घोषणा, अनलिमिटेड इंटरनेट पर भी कोई टैरिफ मूल्य नहीं। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, युद्ध में रूस के 17,500 सैनिक मारे गए, 614 टैंक, 1201 वाहन, 131 हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। फिनलैंड को नाटो में शामिल होने का न्योता, प्रस्ताव पर विचार कर रही फिनलैंड सरकार। फिनलैंड के 60% लोग नाटो के साथ, रूस ने दे रखी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का न्यूक्लियर जुनून, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल की टेस्टिंग की कर रहा है तैयारी, अमेरिकी सप्लाई सैटेलाइट में कैद हुई तस्वीर। मिसाइल टेस्टिंग के लिए नॉर्थ कोरिया के किजजू में खोजी जा रही है टनेल, किम जोंग के न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग की तैयारी की खबर से बाइडेन की उड़ी नींद। जम्मू कश्मीर के शोपिया में देर रात से जारी एनकाउंटर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना, आतंकियों की तलाश कर रहे हैं सुरक्षा बल। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी छात्रों से परीक्षा पर करेंगे चर्चा, दिल्ली एनसीआर हरियाणा और यूपी के करीब 1,000 बच्चे होंगे शामिल। बिहार मैट्रिक परीक्षा के नतीजे घोषित, 16 लाख अभ्यर्थियों में से 12 लाख अभ्यर्थी हुए पास, औरंगाबाद की रमायणी ने किया हासिल पहला स्थान, सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। सासाराम की गंगोली का रहने वाला त्रिवेणी नारायण प्रिय ने मैट्रिक की परीक्षा में 478 अंक लाकर पूरे प्रदेश में टॉप 10 में जगह बनाई। बिहार के मैट्रिक परीक्षा टॉप 10 में नरकटियागंज के छात्र हिमांशु शेखर ने जगह बनाई, हिमांशु ने अपने माता पिता स्कूल के साथ जिले के नाम भी रोशन किए।
बिहार बोर्ड की परीक्षा में औरंगाबाद की प्रज्ञा ने पूरे बिहार में तीसरा स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि औरंगाबाद जिले का नाम भी रोशन किया। पटना सिटी अनुमंडल खुशरूपुर की रहने वाली छात्रा निर्जला कुमारी ने चौथा रैंक हासिल करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया, साथ ही छात्रों को एक नई प्रेरणा दी। नालंदा जिले में भी छात्र शिवम ब्रजराज ने प्रदेश स्तर पर टॉप 10 में आकर जिले का नाम रोशन किया। किशनगंज में किसान के पुत्र ने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे बिहार में नौवां स्थान लाकर मारी बाजी। मुन्ना सिंह ने को आईएएस बनकर देश की सेवा करने का सपना है। समस्तीपुर के चार छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाकर परचम लहराया है। चेता उत्तरी गांव के सत्यम कुमार ने सूबे में छठा स्थान हासिल करके अपने परिवार और जिले का मान बढ़ाया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अरवल जिला के टॉपर किशन कुमार ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 472 अंक लाकर जिला टॉपर का सम्मान हासिल किया। जहानाबाद में प्रियांशु की फौलादी इरादे ने बनाया उसे जिला टॉपर, मां के गर्भ में ही उठ गया था पिता का साया। बिहार विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, बजट सत्र में हुई कुल 22 बैठक के 11 संशोधन विधेयक सदन में हुए पास। बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार हंगामा, स्पीकर ने लेफ्ट के 12 विधायकों को कराया बाहर, सदन के बाहर धरने पर बैठे सीपीआईएमएल विधायक। कानून व्यवस्था पर घिरी सरकार, पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मांगा सीएम का इस्तीफा, विधायकों को मार्शल से उठवाने पर जताई नाराजगी। सरहुल और रामनवमी को लेकर सरकार के नोटिफिकेशन पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने लोगों की संख्या बढ़ाने की रखी मांग, सरकार ने शोभा यात्रा में 100 लोगों की तय की लिमिट। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर बीजेपी के विधायक खुश नहीं है, बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को कुछ करना होगा। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि लोगों को देखने का नजरिया हो सकता है लेकिन नीतीश कुमार का शासन पूरे देश के लिए मॉडल है। भागलपुर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर निगरानी विभाग का छापा, मधुकांत मंडल के घर से जेवरात समेत कई अहम कागजात बरामद, कल भी पटना मोतिहारी भागलपुर में हुई थी रेड। आगामी 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह क्षेत्र नालंदा के दौरे पर रहेंगे, जेएमएसपी समेत कई अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। पाकिस्तान में रविवार को अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग, इमरान खान का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा जो भी रिजल्ट हो इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। अपने संबोधन में इमरान खान ने कहा कि मैं ना झुकूंगा ना कौम को झुकने दूंगा, मैंने पाकिस्तान को भी जरी होते हुए भी देखा। इमरान खान के निशाने पर विपक्ष रहा, कहा यहां बैठे लोगों से मिलकर हुई है साजिश, मुझे हटाना चाहती है विदेशी साजिश। अपने संबोधन में इमरान खान ने विदेश नीति पर भी बातचीत की, कहा मैं स्वतंत्र विदेश नीति बनाना चाहता था, भारत या किसी देश के विरोध में नहीं। यूपी के सीएम योगी का अयोध्या दौरा आज हुए, सीएम योगी श्री राम जन्मभूमि में रामलला के करेंगे दर्शन। सीएम योगी अयोध्या में हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन, साधु संतों से भी सीएम योगी करेंगे मुलाकात। शाम को अयोध्या मंडल समीक्षा बैठक में होंगे शामिल, बलरामपुर के देवी पाचर मंडल में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। मधुबनी में अनिल महतो हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग मामले में हुई थी हत्या की वारदात, पुलिस ने राजनगर थाना क्षेत्र से दंपति को किया गिरफ्तार, मृतक के परिजनों ने दर्ज कराया था केस। पटना में निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते एक मुंशी को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार मुंशी दीपक कुमार परिवहन शाखा में तैनात है, जिस पर 35 लाख रूपये के बिल भुगतान के लिए 4.5 लाख रूपये रिश्वत मांगने का आरोप। कोडरमा के डोमचांच में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। कटिहार में मेडिसिन गोदाम में लगे भीषण आग, लाखों रुपए की दवा जलकर खाक हो गई, गैस सिलेंडर के धमाके से मची अफरा तफरी, आग बुझाने के प्रयास में दमकल कर्मी हुआ जख्मी। दुमका के इंडोर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय ईस्ट जोन सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप समारोह का समापन किया गया। मुंगेर में बेटे और बहू से परेशान मां ने डीएम से गुहार लगाने के बाद जनता दरबार पहुंची, एडीएम ने महिला की फरियाद सुनकर एसपी को भेजा दिया। खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन कर रहे 6 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त हो गए, ट्रैक्टर जब्त होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया।
बढ़ती महंगाई को लेकर गुड्डा में कांग्रेसियों ने काटा बवाल, करगिल युद्ध चौक पर गैस सिलेंडर को लेकर किया प्रदर्शन। देवघर कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सड़कों पर किया प्रदर्शन, प्रदर्शन की शुरुआत कांग्रेस कार्यालय से की गई है। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बेगूसराय में शादी समारोह में शामिल होने आए बारातियों को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पीटा है। मारपीटाई में बच्चे बूढ़े सहित 6 से ज्यादा लोग घायल। हर्ष फायरिंग के विरोध करने पर यह हंगामा हुआ। सिवान में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, मुखिया के पति को गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने खेत में फेंका शव। भागलपुर के नूरपुर में कूड़े के ढेर में अचानक धमाका, इलाके में मची अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं, जांच में जुटी पुलिस। सुपौल में 4 महीने की बच्ची की निर्मम हत्या, आरोपी मामा के खिलाफ केस दर्ज, मामूली विवाद में वारदात को दिया अंजाम। मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना इलाके में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में नाले का पानी गिराने को लेकर 2 परिवारों में विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया जानलेवा हमला, 5 लोग घायल। भागलपुर में नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई, स्मैक और गांजे के 5 कारोबारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड में एक यात्री की ट्रेन से कटकर मौत, चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर में सांड को बचाने के दौरान बाइक पर बैठे 4 सवार घायल, घायलों को सदर अस्पताल में किया भर्ती। भागलपुर में मुखिया की हुई हत्या, शव को पंखे से लटकाए, 2 अपराधी गिरफ्तार, आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर किया हमला। विक्रम में 2 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, प्रेस कार्ड और जाली दस्तावेज सहित कई संदिग्ध सामान बरामद। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत के मुखिया अनीता देवी की हत्या करने वाले आरोपियों की जमकर पिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में बड़ा हादसा चलाया, बिजली कट जाने से 1000 फीट ऊपर रस्सी के बीचों बीच फंसी महिला, इस सारे प्रशासन की मदद से महिला को बचाया गया। मधेपुरा में एमजीएम के भोजन करने से करीब 24 स्कूली बच्चे बीमार, अस्पताल में चल रहा है इलाज। बेगूसराय में चोरी के आरोप में भीड़ ने युवक की बेरहमी से की पिटाई और उस दौरान खुद को बेकसूर बताते हुए रहम की भीख मांगता रहा युवक। भागलपुर के नवगछिया पुलिस ने जिले में अपहरण किए गए एएसआई के बेटे की हत्या की, 45 लाख मांगी गई थी फिरौती। पटना सिटी के मिर्चाई गली इलाके में अपराधियों ने खाद्य तेल के प्रतिष्ठित व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी, पूरे परिवार में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। चतरा में नशे के सौदागरों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 16 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, 2 किलो 758 ग्राम अफीम भी हुआ बरामद। हजारीबाग में अधिवक्ता विनोद चौधरी हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान, 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। पटना में उत्पाद विभाग की टीम ने मारा छापा, 1000 लीटर से अधिक देसी शराब और जावा महुआ के नष्ट, सभी तस्कर मौके से फरार। बेगूसराय बरौनी जीआरपी थाने की पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस की बोगी से 50 बोतल विदेशी शराब को किया बरामद। बांका पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी में सफलता हाथ लगी है, 2 लीटर महुआ देसी शराब के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में शराब बरामदगी का मामला, लापरवाही को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक और डीएसपी समेत 4 अधिकारी हुए कोर्ट में उपस्थित। बाढ़ में चैती छठ पर्व 5 अप्रैल को नहा खाए के साथ होगा शुरू, जो कि 8 अप्रैल को उक्त सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त होगा, जिसको लेकर नगर परिषद की ओर से छठ पर्व को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई। सुपौल जिले में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका से सदर थाना इलाके के पिपरा खुर्द स्थित छपकाही गांव के लोग दहशत में हैं, कई बत्तख मुर्गियों की लगातार 3 दिनों से तड़प तड़प कर मौत हो रही। बगहा में रामनगर के बीटीआर जंगल के भटके हिरण का सफल रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है, रास्ता भटक कर रामनगर शहर में पहुंचा था हिरण। भागलपुर में बीएसएनएल के महाप्रबंधक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दूरसंचार मंत्रालय के अनुसार 15 अगस्त 2022 को 4G की सेवा देने की बात है।
बढ़ती गर्मी के साथ ही खूंटी का तापमान भी चढ़ा हुआ है। गर्मी से राहत के लिए लोग आइसक्रीम, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स का मजा ले रहे हैं। बेगूसराय में अंतर जातीय विवाह करने पर जेएम ने दी प्रोत्साहन राशि के कागजात। इस दौरान जेएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लोग जरूर उठाएं। पटना सिटी के आगम कुआ स्थित राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान संस्थान में हेपेटाइटिस की जांच और इलाज की शुरुआत को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके पर RMRI के निदेशक कृष्णा पांडे समेत कई प्रख्यात चिकित्सक मौजूद थे। धनबाद में मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच का प्रदर्शन। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के आवास का किया घेरा। रानी के रिम्स रांची के रिम्स अस्पताल में जल्द ही जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन काम करने लगेगी और इसके बाद अब रिम्स में ही कोरोना वायरस के वेरिएंट की पहचान हो सकेगी। बख्तियारपुर के श्री गणेश उच्च विद्यालय प्रांगण में अवैध निर्माण पर चला सरकारी बुलडोजर, तोड़ा गया 2 मंजिला मकान। भागलपुर के सुल्तानगंज में नशा मुक्त और शांति सौहार्द वातावरण को लेकर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। इस दौरान सैकड़ों लोग यात्रा में शामिल। खूंटी के सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में उपायुक्त शशि रंजन ने रक्तदान का शिविर का उद्घाटन किया है। इस दौरान लगभग 11 लोगों ने रक्तदान किया। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत पोषण पखवाड़ा के तहत रजरप्पा मंदिर परिक्षेत्र में हुआ दीपोत्सव, गंगा आरती, रंगोली सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन। हजारीबाग में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने पोषण पखवाड़ा के दौरान पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में यूपी की टीम को झारखंड की टीम ने 4-0 से हराया। लगातार 10वें साल सेमीफाइनल में पहुंची झारखंड की टीम। चलिए फिलहाल के लिए 100 शहर 100 खबर में इतना ही। नमस्कार।